डिस्पर्शन खत्म कर देंगे अभी। रुको, डिस्पर्शन बहुत चिल्लर है। सेंट्रल टेंडेंसी का उल्टा, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, लोगों अपने पास में खींचने वाली चीज, ठीक है ना, जिसके अराउंड ऑब्जर्वेशंस क्लस्टर करती है। वो गाना क्यों आगे पीछे ढूंढते हो भवरों की तरह, वो है सेंट्रल टेंडेंसी। रुको, ये सेंट्रल टेंडेंसी है। लोग इस, हाँ खूबसूरत लड़की, लोग इसके आजू बाजू घूमते हैं। डिस्पर्शन क्या है, बदबूदार लड़का। बहुत बढ़िया। डिस्पर्शन क्या है, बदबूदार लड़का जिससे सब लोग दूर भागते हैं। तो डिस्पर्शन मतलब स्कैटर्डनेस, डिस्पर्शन मतलब स्कैटर्ड। तुमको याद है अभी भी हो भाई साहब, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन ये, आ जाओ वापस आ जाओ, ठीक है। डिस्पर्शन क्या होता है, डेविएशन। एक ऑब्जर्वेशन कितनी डेविएटेड है, कितनी स्प्रेडेड है, कितनी स्कैटर्ड है, कहां से, फ्रॉम एन एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। कोई सेंट्रल टेंडेंसी जैसे अरिथमेटिक मीन निकालूंगे, मीडियन मोड है, तो उससे कितनी दूर दूर है, कितनी फैला हुआ है कार्यक्रम इनका, वो बताता है अपने को डिस्पर्शन। मतलब अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशन सेम रही तो एवरेज भी सेम है, हाँ कि ना, और सारे ये ऑब्जर्वेशन भी सेम ही है, मतलब डिस्पर्शन कुछ है ही नहीं, यस और नो, तो ये लिखा है यहाँ पे डिस्पर्शन जीरो अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशन सेम है। तो हो सकता है जो दो डिस्ट्रीब्यूशन थे उनके, वो डिस्ट्रीब्यूशन के सेंट्रल टेंडेंसी सेम हो जाए, मतलब ऑब्वियस है ना, दो कोई अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है उनका मीन सेम आ सकता है, मीन सेम आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका डिस्पर्शन भी सेम रहेगा। हो सकता है दो ऑब्जर्वेशन है जिनका मीन सेम है, मतलब दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन दे रखे, सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, एक जो भी है 1 2 3 4 5, दूसरा होगा 1 2 4 5, जो भी है, ठीक है, दोनों का मीन सेम आ रहा है पर दोनों का डिस्पर्शन अलग आएगा, ठीक है। डिस्पर्शन के अंदर एक ही चीज है जो तकलीफ देती है, वो स्टैंडर्ड डिविएशन, बाकी सारा पांचट है, ठीक। तो उसको करेंगे, मतलब सारा ही करेंगे बट स्टैंडर्ड डिविएशन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। प्लस मैंने आप लोगों की तकलीफें समझते हुए कुछ अच्छे क्वेश्चन, जैसा ये एक 13वां क्वेश्चन है, ये एक कंबाइंड वाला क्वेश्चन है फैक्ट्री वाला, और ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन अपने आप में बाप क्वेश्चन है। कौन है बाप, ठीक है सर, रिवीजन में क्लास में सॉल्व करवा दो। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन अपन ने रेगुलर क्लास में सॉल्व करे हुए हैं। उसके अलावा भी मैंने यहाँ पे नीचे एक क्यूआर कोड डाले हुए, इसको स्कैन करके आप तीनों का डिस्कशन देख सकते हो ये क्लास खत्म होने के बाद। आपके नोट्स के अंदर भी उसका क्यूआर स्कैनर है, उसको आप आराम से देख सकते हो, डन है, ओके चलेगा। डिस्पर्शन के ऊपर चलते हैं। डिस्पर्शन के दो टाइप के मेजर्स है, एक है एब्सोल्यूट, दूसरा है रिलेटिव। एब्सोल्यूट मतलब रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ये हो गए एब्सोल्यूट मेजर्स, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। और रिलेटिव मेजर्स क्या रहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं रहता, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, याद है ना तुमको, हाँ जी ठीक है। अच्छा मेरे को बताओ, अगर दोनों किसी चीज को कंपेयर करना है तो कौन सा मेजर यूज करेंगे, रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर मतलब अपने आप में एब्सोल्यूट है, रिलेटिव मतलब दूसरे के रिलेशन में, इन रिलेशन टू समवन। तो अगर आपको कंपेयर करना है दो या उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन को तो रिलेटिव मेजर को यूज करते हैं, ये एक एमसीक्यू बनेगा। दो से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन से इनको कंपेयर करना है तो कौन सा मेजर काम आता है, रिलेटिव मेजर, मतलब इनसे होता है, इससे कंपेरिजन नहीं होता। जो एब्सोल्यूट मेजर्स है इनके यूनिट्स नहीं रहते, क्यों, सॉरी ये यूनिट, इनके यूनिट्स रहते हैं, क्यों यूनिट्स रहते हैं, क्योंकि रेंज निकालनी है आपको, तो 50 किलो माइनस 20 किलो 30 किलो आएंगी रेंज, रेंज के यूनिट होते हैं। मतलब जो एब्सोल्यूट मेजर्स है इनके यूनिट्स है, बट रिलेटिव मेजर्स के यूनिट नहीं रहते। क्यों यूनिट नहीं रहते, क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला कट जाता है, आया ना, सुन लो मेरी बात। एब्सोल्यूट मेजर के यूनिट्स होते हैं क्योंकि कटने काटने की कोई बात नहीं है, रिलेटिव मेजर में ऊपर वाली चीज से नीचे वाली चीज कट जाती है इसलिए उनके यूनिट्स नहीं होते। मैं आपको ये अगले 3 मिनट में साबित कर दूंगा, ठीक है, ओके। ये कंपैरिजन के काम नहीं आता, एब्सोल्यूट चीज कभी कोई कंपैरिजन की काम नहीं आती। मैं स्मार्ट हूं ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट है, इसमें कोई गधा है या नहीं है मेरे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं तेरे से स्मार्ट हूं ये हो गया रिलेशन, समझेगी नहीं, ये रिलेटिव है, मैं तेरे से स्मार्ट उससे नहीं, समझ रहे हो, ये रिलेटिव है। तो रिलेटिव में कंपैरिजन होता है, एब्सोल्यूट में अपन एक चीज बोल रहे हैं, मैं गधा हूं
तुम बोल रहे हो, ठीक है, मैं तो इस तरीके से है ना। ओके, तो पहला पढ़ते हैं अपन, रेंज के साथ में कोएफिशिएंट ऑफ रेंज साथ साथ में बढ़ेंगे, एब्सोल्यूट रिलेटिव दोनों साथ में बढ़ेंगे, रेंज और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज का फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट माइनस स्मॉलेस्ट एलिमेंट, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। आपको वैल्यू दे रखी है 10, 20, 30, 40, 50, रेंज बताओ, बड़ा क्या है 50, छोटा क्या है 10, 50 माइनस 10 कितना 40। अब लोगों का वेट दे रखा है तो 40 किलो आएगा ना, 50 किलो माइनस 10 किलो 40 किलो आया ना। ओके, ये रेंज का फॉर्मूला है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। और कुछ रहता क्या, नहीं, ये सबसे सिंपल है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100, ठीक है। अब मेरे एग्जांपल में क्या था बताओ, सबसे लार्जेस्ट कितना था 50 माइनस 10 अपॉन 50 प्लस 10 इनटू 100, ये ऊपर भी केजी रहेगा नीचे भी केजी रहेगा, हाँ कि ना, तो ऊपर है 40 केजी नीचे है 60 केजी, केजी केजी कटा क्या इनटू 100, जो भी आंसर आएगा आई एम नॉट कंसर्न्ड विद द आंसर, क्योंकि ये केजी केजी ऊपर नीचे का कट जाता है, इसलिए ये यूनिट फ्री होते हैं, समझा क्या, रिलेटिव मेजर, समझा, तब जो मैं बोल रहा था आप समझा ना, वेरी गुड स्मार्ट, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100, बात खत्म, ठीक है। सीरीज क्या क्या हो सकती है, इंडिविजुअल सीरीज, बिखरे हुए नंबर दिए हुए, लार्जेस्ट नंबर निकालना स्मॉलेस्ट नंबर उसमें से माइनस कर दे, ठीक है। डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज में क्या करेंगे सर, एक्स दिया, अरे एक्स की वैल्यू दी रहेंगी ना उसके, अरे भैया डिस्क्रीट सीरीज में एक्स की वैल्यू है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को चुनने में जान दो, अपने क्या करना है, एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू एक्स की सबसे छोटी वैल्यू माइनस कर दो, हाँ कि ना, पक्का, ठीक है। और सर वो क्लास इंटरवल्स दिए, तो क्लास इंटरवल दिए, तो जो सबसे लास्ट वाला क्लास है, सबसे बड़ा क्लास है उसकी अपर क्लास बाउंड्री और सबसे छोटे क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री माइनस कर देना है, ठीक है। सबसे बड़े क्लास की बड़ी बाउंड्री, सबसे छोटे क्लास की छोटी बाउंड्री माइनस कर दो, बात बन जाएगी। एग्जांपल दो सर एक बार, मैंने बोला रुको यार, इसका एग्जांपल दे रखा है बाद में है, हाईएस्ट क्लास का अपर क्लास बाउंड्री माइनस स्मॉलेस्ट क्लास का लोअर क्लास बाउंड्री, बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, तो अगर म्यूचुअली इंक्लूसिव रहा तो 0.5 ऐड करना और लोएस्ट में से 0.5 माइनस करना, डन है, पक्का, ठीक है। ये हो गया रेंज। अब देखो मैंने चैप्टर पहले पेज में ना सारे के सारे फॉर्मूले दे दिया, क्योंकि मैं चाहता नहीं था इसमें टाइम वेस्ट करूं, एक 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 करके फिर क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक साथ बनाएंगे। रेंज क्या है बताओ, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या है, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इन 200, बराबर है, डन है, ओके। मीन डिविएशन का फॉर्मूला बताओ, मीन डिविएशन मतलब क्या होता है, डिविएशन मतलब क्या होता है, कितना दूर है, ठीक है। तो डिविएशन का फॉर्मूला क्या होता है सर, पहली बात तो ये जो मीन डिविएशन है ये किसी भी सेंट्रल टेंडेंसी से निकल सकता है, मतलब मीन डिविएशन अबाउट मीन भी आएगा, मीन डिविएशन अबाउट मीडियन भी आएगा, मीन डिविएशन अबाउट मोड भी आएगा, आया ना। तो ये मीन डिविएशन इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन ऑफ सम ऑफ डिविएशंस, अरिथमेटिक मीन ऑफ सम ऑफ डिविएशंस, नहीं नहीं सम ऑफ डिविएशंस नहीं, सम ऑफ एब्सोल्यूट डिविएशंस। अरे अगर आप डिविएशंस माइनस करते हो तो जीरो हो जाएगा ना, x माइनस एक्स बार का समेशन कितना होता है, x माइनस एक्स बार का समेशन जीरो होता है, अभी तो अरिथमेटिक मीन में बताया मैंने आपको। तो इसमें अपन क्या करेंगे, देखो अपने को सारे के सारे x दिए रहेंगे, सारे के सारे x की वैल्यू दी रहेंगी, जो भी है 2, 3, 5, 7, 9 जो भी है दी रहेंगी, इससे आप इसका क्या निकाल लोगे, एक्स बार निकाल लोगे। आपको बोल सकते हैं मीन डिविएशन निकालो अराउंड मीन, या आपको बोल सकते हैं मीन डिविएशन निकालो अराउंड मीडियन, या आपको बोल सकते हैं मीन डिविएशन निकालो अराउंड मोड, ठीक है। जिसके भी अराउंड आपको मीन डिविएशन निकालना है आपने पहले उसको निकालना, आप इससे मीन भी निकाल सकते हो आपको आता है, आप इससे मोड भी निकाल सकते हो आपको आता है, आप इससे मीडियन भी निकाल सकते हो आपको आता है, ठीक है। अपन एग्जाम में क्वेश्चन में समझ के चलते हैं कि आपको बोला है मीन डिविएशन अराउंड मीन निकालना, तो अपन क्या करेंगे, अपन निकालेंगे एक्स बार, ठीक है, अपन क्या निकालेंगे एक्स बार, किधर गया, हाँ अपन निकालेंगे एक्स बार, फिर अपन क्या निकालेंगे उसके बाद में हम ढूंढेंगे एक्स माइनस एक्स बार का मॉड,
उसके बाद हम क्या ढूंढेंगे, x माइनस x बार का मॉड। जैसे समझ लो x बार आ गया आपका, जो भी आया इसका क्या आता है, जो भी आ रहा है यार छोड़ो, जो भी x बार आ रहा है, फिर मैं x को x में से माइनस कर दूंगा, x को x में से माइनस कर दूंगा और इस सब का टोटल निकाल दूंगा, समेशन ऑफ x माइनस x बार का मॉड। मॉड लेना है अपने, एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, निगेटिव मत लेना, पॉजिटिव चाहिए हर वैल्यू, ठीक है। इसका क्वेश्चन करेंगे अपन, तो फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस x बार अपॉन n, समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस x बार अपॉन n, ठीक है। ये इसको x माइनस x बार नहीं लिखते सर, इसको लिखते हैं x माइनस a। a क्या है, एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मीन बोला तो x माइनस x बार हो जाएगा, मोड बोला तो x माइनस मोड हो जाएगा, मीडियन बोला तो x माइनस मीडियन हो जाएगा, बराबर है क्या। समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन n, ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन n, ठीक है, ओके। किधर गया रे, हाँ देखो क्या है फॉर्मूला, इंडिविजुअल सीरीज क्या बोलता है, समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन n, जहां पे a क्या है, एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और सर अगर फ्रीक्वेंसी नहीं तो क्या करते, कुछ नहीं करते, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देते x माइनस a से, ठीक है। इसका क्वेश्चन करेंगे आप, शांति से बैठो, ठीक है। एक बार फॉर्मूला बोलो क्या है, मॉड ऑफ x माइनस x बार का समेशन अपॉन n, मॉड ऑफ x माइनस x बार का समेशन अपॉन n, मॉड ऑफ x माइनस a का समेशन अपॉन n, मॉड ऑफ x माइनस a का समेशन अपॉन n, मॉड ऑफ x माइनस a का समेशन अपॉन n। ये कब की बात है, जब नॉर्मल है, फ्रीक्वेंसी नहीं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, रुको मैं बोल रहा हूं तुम मत बोलो, मॉड निकालेंगे x माइनस a का जैसे पहले निकालते, बट उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ काय का समेशन, फ्रीक्वेंसी इंटू मोड ऑफ x माइनस a अपॉन n, n क्या है, फ्रीक्वेंसी का टोटल, ठीक है। देखो भैया फॉर्मूला, x माइनस a का मोड उस सब का समेशन अपॉन n, अगर फ्रीक्वेंसी नहीं तो क्या, अगेन x माइनस a निकालना ही पड़ेगा, बट उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है हर जगह पे, और फिर उसका समेशन लेना है, डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड बाय n, ठीक है। जहां a क्या है, एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये हो गया मीन डेविएशन का फॉर्मूला। क्या है मीन डेविएशन का फॉर्मूला, बोलो, इसको याद ही रखना पड़ता, x माइनस a अपॉन n, मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन n, समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन n। और याद रखना, जहां भी फ्रीक्वेंसी आगे आ रही है ना, हर बार आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड डेविएशन में बताया, ये क्वार्टाइल डेविएशन का तो अलग ही सीन है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकालते, मीन डेविएशन अपॉन सेंट्रल टेंडेंसी इनटू ए इनटू 100। सेंट्रल टेंडेंसी क्या, अगर अरिथमेटिक मीन दिया रहा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। अगर ये मोड दिया रहा तो क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अपॉन मोड इनटू 100। अगर ये मीडियन दिया रहा तो क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अपॉन मीडियन इनटू 100। मतलब अपने को मीन डेविएशन निकालना पड़ता, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए भी मीन डेविएशन निकालना पड़ेगा। और मीन डेविएशन का फॉर्मूला क्या है बताओ, समेशन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन n, और फ्रीक्वेंसी नहीं तो फ्रीक्वेंसी इनटू x माइनस a का समेशन अपॉन n, ठीक है भैया, खत्म, ओके। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला बताओ, मीन डेविएशन अपॉन सेंट्रल टेंडेंसी इनटू 100। अगर सेंट्रल टेंडेंसी मीन रही तो मीन, मोड रहा तो मोड, मीन रहा मीडियन रहा तो मीडियन, ठीक है भैया, ओके। सर अगर कंटिन्यूअस सीरीज रही तो क्या करना, कुछ भी नहीं करना, जो क्लास इंटरवल से उनका मिड पॉइंट ले लेना, वो आपका एक्स बन जाएगा, बाकी सारी प्रोसेस आपको मालूम है, बाकी मालूम है ना आपको, सर नहीं मालूम, बताऊंगा आगे, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला बताओ, सबसे क्यूट फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1 बाय 2, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इनटू 100, ना भाई सर ये याद करो, Q3 माइनस Q1 बाय 2, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इनटू 100, ठीक है। तीनों फॉर्मूले अभी तक मेरे को एक बार वापस से बताओ, तीनों फॉर्मूले, रेंज, रेंज का फॉर्मूला बताओ क्या है, जल्दी बोलो बोलो बोलो, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का बताओ, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100, हुआ क्या सर, अभी घर जाके याद कर लेंगे, हाँ फिर अभी आप भजन कर रहे हो, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, मीन डेविएशन नहीं, नहीं रुको रुको, क्वार्टाइल डेविएशन बताओ, Q3 माइनस Q1 बाय 2, क्वार्टाइल डेविएशन का कोएफिशिएंट बताओ,
Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100. ओके, मीन डिविजन का बताओ का है क्या, अराउंड मीन या अबाउट मीन बताओ. ठीक है, तो क्या करेंगे, x में से x बार माइनस करेंगे, उसका मॉड लेंगे, सारे मॉड की टोटल समेशन डिवाइडेड बाय n. बट अगर फ्रीक्वेंसी वाला डेटा रहा तो क्या करेंगे, मैं स्टेप वाइज बता रहा हूं. सुनो, x दिया रहेगा, उसका x बार निकालेंगे, x में से हर x में से x बार माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएंगी उसका मॉड लेंगे, उसका पॉजिटिव लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी के साथ. तो जितनी भी वैल्यूज अपनी आ गई फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स माइनस एक्स बार की, इसका सम लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे एन से. डन भैया, हो गया खत्म, तीन फॉर्मूले आ गए, चौथा फॉर्मूला. हाँ जी बोलो बोलो क्या रह गया, मीन डिविजन का कोएफिशिएंट. ओके ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविजन इज मीन डिविजन अपॉन सेंट्रल टेंडेंसी इंटू 100. ठीक है, डन है, खुश. ओके ठीक है सर, स्टैंडर्ड डिविजन का बताई दो एक बार भाई, इतना पांचट फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डिविजन का, मैं बता रहा हूं स्टैंडर्ड डिविजन निकालना ऐसा पांचट काम है, ये ओवर हाइट मैटर है. ठीक है, लोग को आता नहीं, अरे बाप रे बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, मतलब मेरे को तुमको पढ़ाते नहीं आ रहा तो मैं बोलूंगा ना हार्ड है इसलिए मेरे को नहीं आ रहा, नहीं इसलिए तुमको नहीं आ रहा, वो फैक्ट ऐसा है कि मेरे को तुमको पढ़ाते नहीं आता कि वो हार्ड है. ठीक है, ओके, तुमको मालूम अपन कैसे धज्जे उड़ाते. कुछ नहीं करना, स्टैंडर्ड डिविजन एक्स दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दी रही तो वो तो अपना कोई लफड़ा ही नहीं है, अपन बिना फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला बनाते, फिर उसको अपन अगर फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे. क्या है, पहली बात तो अंडर रूट है सर, और अंडर रूट कहेगा है मालूम है क्या, एक्स माइनस एक्स बार का. मैंने बोला था मीन डिविजन में जो करते वही स्टैंडर्ड डिविजन में करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार, मॉड नहीं लेना है यहां पे क्योंकि वैसे ही स्क्वायर लेना है, अपॉन पंच पंच गिर गया था, 5000 का फटका लगता है. ठीक है, पंच है ये, देखो भैया किधर है. हाँ तो ऑब्वियस समेशन तो हर बार रहेगा, मतलब क्या, एक बात बताओ 6x है आपके, आप एक x माइनस x बार निकाल के छोड़ दोगे क्या, अभी वो कॉमन सेंस है बे. ठीक है, हाँ ये x माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ये एक फॉर्मूला है. दूसरा फॉर्मूला क्या था, x स्क्वायर का समेशन अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर. दूसरा फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ x स्क्वायर अपॉन n माइनस x बार का होल स्क्वायर. ये कब यूज होता है और ये कब यूज होता है, जब आप x माइनस x बार को निकाल सकते हो आराम से तब ये निकाल देना. ठीक है, अगर x बार किचकट आ रहा है गंदा सा लावा, कैसा लावा का, अब सोचो आपकी x है, मतलब x की वैल्यूज है, आपका x बार आ गया 5.6725, अब निकालते बैठो x माइनस x बार, पागल हो जाओगे आप. तो फिर उसमें क्या करना, कुछ नहीं करना, जो भी अपने को x की वैल्यू दी है 1 2 3 4 5 जो भी दी है, गप कैसे उसका स्क्वायर ले लेना. स्क्वायर कैसे लेते, इनटू इक्वल्स टू दबा दबा के, हा ना, और मोर ओवर अपने को इसका समेशन भी लेना है, तो क्या करेंगे, x दबाएंगे इनटू इक्वल्स टू m प्लस x इनटू इक्वल्स टू m प्लस x. ठीक है, आ गया ऊपर वाला, आ गया n तो आपको पता ही रहेगा, मतलब ये पूरी वैल्यू आपकी आ गई है. अब x बार का होल स्क्वायर ले लो एक बार में, एक बार इनटू इक्वल्स टू गप कैसे डा. तो सर दोनों फॉर्मूले काम है क्या, आओ दोनों फॉर्मूले काम के. बहुत सारे लोग बोलते हैं एक फॉर्मूले से काम हो जाता है, मैंने आपको बोला है दो दिए हैं, क्यों दो कब रखते लोग, जब एक नहीं लग रहा तो दूसरा यूज कर. कैलकुलेटर, कैलकुलेटर की बात चल रही है, स्पाइडरमैन की स्पीड दिख गई, बहुत बढ़िया. ठीक है, तो दो फॉर्मूले मेरे साथ बोलो सर, सर हम 5 बार लिखते ना प्लीज, मान हो रहा है. मैंने बोला अबे रिवीजन है ना बे, बोले नहीं नहीं सर फिर भी लिखना ही है. मान ला ओके, देखो कृतिका उधर से बोल रही है, बोले नहीं 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 लिखेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन. सर आप लिखो, आपका एग्जाम नहीं है फिर भी आप लिखो, हम आपके साथ साथ लिखते. समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन समेशन ऑफ, नहीं फिर बोलेंगे बोलेंगे बोलेंगे
ठीक है, क्या करना है, x माइनस एक्स बार, ठीक है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n, ये कब यूज करना, जब x बार एकदम बढ़िया क्यूट सा प्यारा सा क्यूट सा है, मतलब दो तीन चार पांच नंबर पूरा मोटा मोटा है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ये नहीं है तो क्या करे, छोड़ दे क्या तुझे ना, अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये कैसे निकालते, एक्स इंटू इक्वल टू एन प्लस एक्स इंटू इक्वल टू एन प्लस एक्स इंटू इक्वल टू एन प्लस एम आर सी डिवाइड बाई एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, पहले से निकाल के रख देना उसको माइनस कर देना गच, एक्स बार कैसे निकालते सर, मीन का बताया भाई ना मैंने, तीन फॉर्मूले समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय ऑन सर, फ्रीक्वेंसी रही तो क्या, कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला है ऐसा, यहां पे f को मल्टीप्लाई करते, मतलब उसमें क्या करेंगे फिर अपन, सुनो सुनो सुनो, उसमें क्या करेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी रही तो अपन निकालेंगे x बार, x बार कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, हाँ ये मीन निकाल लिया, अब क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालेंगे, x उसमें से x बार का होल स्क्वायर इंटू इक्वल टू, अब ये एम प्लस में नहीं डालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, बाद में डालेंगे एम प्लस में, क्या मैं अकेला खुश हो रहा हूं, तुम भी समझ रहे हो, पक्का पक्का, यस ठीक है सर, ये बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, सुनने में अच्छा लग रहा है, करके तो दिखाओ, मैंने बोला रुक जाओ भैया, ये देखो 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 एक बार देख लो फिर करके दिखा दो, एक्स माइनस एक बार होल स्क्वायर याद है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करा, यहां भी करा यहां भी करा, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से आपके बहुत सारे क्या कहते हैं उसको कंक्लूजंस निकलती है, मैंने आपको बताया था स्टैटिस्टिक्स के स्टार्टिंग में कि स्टैटिस्टिक्स एक टूल है क्या के लिए, कंक्लूजंस निकालने के लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है, तो आपको बताना पड़ता है कि फैक्ट्री कौन सी कंसिस्टेंट है, उसका एक क्वेश्चन अपन देखेंगे, ठीक है, मतलब वो क्यूआर में दे रखा है मैंने, कौन सी ज्यादा फैक्ट्री कंसिस्टेंट है, तो उसके लिए आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ता है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकलता, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100, अरिथमेटिक मीन वैसे ही अपन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया, अरिथमेटिक मीन निकाले हुआ है इनटू 100 करना, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है वो फैक्ट्री ज्यादा कंसिस्टेंट है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन है उसमें, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर, फिर वो कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है ना बाबू, क्या कर रहा ऐसा क्या हाथ रहा है, ऐसा मत कि तुम क्या लगता, मैंने तुमको बताया ना मेरे क्लास में एक दोस्त था मेरा अक्षय करके, ठीक है, वो ऐसा हंसता था उसको उसको लगता था कि ऐसा देख के हंसा तो टीचर को मालूम नहीं पड़ रहा हंस रहा है, बस बोलते थे उसको वैसे ही वो हंस रहा था, ठीक है, तो ये अगर कंटिन्यूअस सीरीज रही तो क्या करेंगे, कंटिन्यूअस सीरीज रही तो क्या करेंगे, कुछ नहीं मिड पॉइंट ले लेंगे, एक्स का मिड पॉइंट ले लेंगे, ठीक है, हाँ ये चेंज ऑफ ओरिजिन वाला कार्यक्रम है, ये थ्योरी वाला है और दो फॉर्मूले हैं, मैं बता दूं, पर अपन पहले ना क्वेश्चन करते हैं, अब क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा ठंड पाएंगे अपन, ठीक है, सारे फॉर्मूले याद है, ओके, अब मैंने जो एक एक चीज बोली थी उसको बात करते हैं, रेंज निकालना है, ये कौन सा सीरीज है सर, ये कंटिन्यूअस है, पर ये सीरीज देखो एक बार क्या है, म्यूचुअली इंक्लूसिव है, तो अपने को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चाहिए, यस, तो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका 74.50, स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा इसका 49.50, आया ना, अरे ये हाईएस्ट क्लास है उसका अपर क्लास बाउंड्री 74 है 0.5 प्लस करेंगे, ये स्मॉलेस्ट क्लास है उसका लोअर क्लास बाउंड्री 50 है लिमिट 0.5 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो गया, आ गया, क्या हो गया, समझ रहा है ना, ठीक है करो जल्दी से, सर आंसर आ गया, रेंज निकालेंगे, आ गया, आ गया। रेंज कितना है 74.5 माइनस 49.5 25 आया रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज बताओ कितना आया, 74.5 प्लस 29.5 104 25 अपॉन 104 इंटू 100 24.03 आएगा,
मैंने 49 के बजाय 29 करा क्या? 0.5 प्लस मतलब कुछ व्हाई एम आई डूइंग दिस मतलब हां 20.16 आया हां कोई भी शेड ऑफ रेंज 20.16 आया क्या सबका आ गया कोई दिक्कत नहीं तो ये रेंज का लफड़ा खत्म मीन डेविएशन निकाल ठीक है मीन डेविएशन कहां से निकालना है अरिथमेटिक मीन से ठीक है फार्मूला बताओ मीन डेविएशन का मॉड x माइनस x बार का समेशन अपॉन n पर फ्रीक्वेंसी है तो क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी इनटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार उस सब का समेशन अपॉन एन ठीक है सर मैं लिखता हूं एक बार इसको ये इसको बनाइए आप एक बैठ के देखो ये एक्स है एक्स बार निकाल दो एक्स बार कैसे निकालेंगे एक्स बार निकालते आता है क्या सर क्या चिल्लर बात कर रहे हो सर ये एक्स दे रखा है ये एफ दे रखा है एक्स इंटू एफ इंटू एक्स एफ इंटू एक्स एम प्लस 5 into 1 m plus 8 into 3 m plus 9 into 5 m plus 7 into 2 m plus 9 into 1 m plus MRC 97 divided by frequency कितनी है 9 8 17 5 22 और 25 25 25 है 3.88 आया आपका x bar आया क्या आ गया 3.88 x bar अब क्या करूंगे अब आप करोगे हर एक चीज के लिए आप ऐसा टेबल बनाओगे ठीक है ये x लिखोगे ठीक है यहां लिखोगे आप भैया x ठीक है उसको x माइनस x बार बनाऊंगे x कितना है भैया बताओ x कितना है मेरी कॉफी हो गई ठंडी अब x कितना है बोलो 1 3 5 7 9 यही है 1 3 5 7 9 ठीक है अब उसको माइनस कर देना एक मिनट देख लो मेरी तरफ पूरा सॉल्व मत करते बैठो मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूं x माइनस x बार आया फ्रीक्वेंसी है इसमें यहां पे लेफ्ट साइड में मैं फ्रीक्वेंसी लिख लूं किसी को दिक्कत है नहीं कितना है 5 8 9 2 1 5 8 9 2 1 ठीक है डन है x माइनस x बार का मॉड चाहिए भैया पहली बात तो क्या चाहिए मॉड x बार कितना निकला अपना 3.88 सबका आ गया क्या कोई ऐसा नालायक है जिसका नहीं आया नहीं अब देखो मन के अंदर मेरे को पता है कि ये x छोटा है 1 छोटा है 3.88 से पर मेरे को मालूम है मॉड है पॉजिटिव ही आने वाला है मतलब क्या तो उखाड़ लेंगे ठीक है 3.88 माइनस 1 2.88 लिख दिया 0.88 लिख दिया 5 में से 3.88 गया 1.12 ये कितना हो गया 7 दो बड़ा 3.12 और दो बड़ा 5.12 ये आ गया x माइनस x बार हाँ कि ना अब इसका सम ले लूं क्या मैं इसका सम नहीं लेना है अरे 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 ऐसा है क्या हमको तो लगा था कि x माइनस x बार का सम लेना है और उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है कुछ कुछ नमूने क्या करते मालूम है इन सब का सम लेते ये और फिर उसको फ्रीक्वेंसी की टोटल से मल्टीप्लाई करते पागल हो गया आप फिर आपको क्या करना है ये इसको इससे मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी इंटू x माइनस x बार का मॉड और अपने को लगेगा इसका टोटल हाँ कि ना तो अब इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा लिखते नहीं बैठेंगे क्या करेंगे दिस इंटू दिस m प्लस दिस इंटू दिस m प्लस दिस इंटू दिस m प्लस 2 इंटू 3.12 m प्लस 1 इंटू 5.12 m प्लस आया ना है ना भाई कोई आपत्ति पक्का अरे पक्का ना ठीक है आपका इसका आंसर आ जाएगा मीन डेविएशन आएगा 1.72 और कोएफिशिएंट उसका आएगा कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन आ जाएगा आपका 44.33 आया आ गया बच्चों कितना है 20 है 33 है हाँ हाँ ठीक है ना 2-5 रुपए मेरे से ले लेना आप तो पैसों में बात कर रहे हो बिल्कुल चिंता नहीं करना हाँ मीन डेविएशन 1.72 वेरी गुड शाबाश ठीक है तो बेसिकली ये पूरा फॉर्मूला भेज दे दिमाग फ्रिज में रखने का है गप्पा 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 फॉर्मूले में डाल दे ठीक है हाँ क्वेश्चन ये कर लेना इसका आंसर कितना आया इसका आंसर मैं बता रहा हूं आपको फोर्थ का मीन डेविएशन आया 42.88 अपॉन 25 ये आ रहा है 1.72 ठीक है और आपका आ रहा है कोएफिशिएंट
ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन, नहीं 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 हाँ हाँ बराबर, स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं, मीन डिविएशन, मीन डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100. मीन डिविएशन कितना है? 1.72 अपॉन 3.88 इनटू 100. तो ये आंसर आएगा आपका 44.33. मां कसम बोल रहा हूं, आज जिसने फॉर्मूले रख लिया और घर पे जाके ये करा नहीं आपने, आड़े टेढ़े बच्चों ने, आड़े टेढ़े, ठीक है नहीं चाहिए देख कैसे होगा, वापस वापस कम बैक करना, ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछा है, ये मीन डेविएशन का कोएफिशिएंट है, चलो इसको बना लेंगे. क्या करेंगे? कुछ नहीं, ऊपर वाले भाई यहां पे भी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन था, यहां पे भी कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन है. डिफरेंस क्या है? मीडियन है एक. दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस ये है कि ये क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस है, ठीक है. तो मीन डेविएशन के लिए तो अपन अपने आप में मिड पॉइंट्स ले लेंगे, ठीक है. मीन डेविएशन के लिए अपन मिड पॉइंट ले लेंगे, बट मीडियन के लिए मिड पॉइंट थोड़ी लेंगे, मीडियन पहले निकालना पड़ेगा. मतलब ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत लंबा क्वेश्चन है, पहले उसका मीडियन निकालो. मैं बताता हूं आपको उसका मीडियन कितना आएगा. अच्छा सर, ये लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते क्या? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तुम्हारी मौत है, आएगा नहीं. पर एक क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर लिया ना तो 5-6 क्वेश्चन के बराबर है. और अपना तो एक ही है, एक ही खाना, ऐसा धन का देना है कि 4-5 तो मरी जाए, ठीक है. हाँ, तो ये अगले वाले का आंसर आएगा भैया आपका, मीडियन इसका आ जाएगा आपका 62.50. और ये सारे क्वेश्चन आईसीआई के हैं, तो आपको अगर कहीं पे भी लग रहा है ना गड़बड़ तो आप ये आईसीआई मॉड्यूल को रेफर कर सकते हो, ठीक है. नहीं तो आप मेरे को बोल सकते हो, मैं उसको आपका आपको उसका आंसर भेज दूंगा. मीडियन आएगा 62.5, आपका मीन डेविएशन आ जाएगा 8.10 केजी, और आपका कोएफिशिएंट आ जाएगा 12.96. किसका आ गया भैया? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश मेरे शेर, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है. कोल्ड कॉफी पी लेता हूं मैं. अब ये क्वेश्चन है ना, देखो 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 सुनो, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, ये पूरे क्लरिकल क्वेश्चन है. कैसे? क्लरिकल. पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर. सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है? उसके लिए आपको समझनी है स्टेप वाइज चीजें. मैं आपको बता दूं स्टेप वाइज चीजें. अभी क्वेश्चन देख लिया आपने, देखो एक बार बिना अपना दिमाग लगाए मेरी बात सुनो. सबसे पहले बात करते हैं रेंज की. रेंज का फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100, ठीक है, हो गया. अब फॉर्मूले छोड़ दो, मेरे हिसाब से जो जो मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा सोचो तो आपके दिमाग में पूरा आ जाएगा. ऑब्जर्वेशन कितने टाइप के हो सकते हैं? 3 टाइप के. एक तो इंडिविजुअल सीरीज जिसमें नंबर खुले दिए रहेंगे, उसमें आप सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढ सकते हो, सबसे छोटा नंबर ढूंढ सकते हो, आप निकाल लोगे, हो गया. दूसरा डिस्क्रीट सीरीज जिसमें एक्स की वैल्यूज दी रहेंगी और उसके सामने उनकी फ्रीक्वेंसीज दी रहेंगी. अब फ्रीक्वेंसी मतलब क्या है? वो कितने बार आ रही है. अबे अपने को क्या करना कितने बार आ रहा है, अपने को ढूंढना है सबसे बड़ा एक्स, सबसे बड़ी वैल्यू एक्स की, और सबसे छोटी वैल्यू, हाँ कि ना. तो सबसे छोटी नीचे, बड़ी नीचे रह सकती है अगर असेंडिंग ऑर्डर में है तो आपको एक्स की सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढनी है, सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है, कार्यक्रम खत्म. सर कंटिन्यूस सीरीज रही तो जो क्लास इंटरवल्स है उनके मिड पॉइंट ढूंढ लेना, ठीक है. तो जो सबसे लास्ट क्लास रहेगी उसका मिड पॉइंट सबसे बड़ी वैल्यू रहेगा. नहीं उल्टा बोल रही, माफ करना, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी रहेंगी? अपर, सबसे बड़े क्लास की अपर क्लास बाउंड्री, आया ना. और स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या रहेगी? सबसे छोटे क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री.
याद रखना बाउंड्री की बात करा है, लिमिट की नहीं। डन है भैया, हो गया खत्म, ओके। दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन में कुछ करना ही नहीं होता है, ये क्वार्टाइल डेविएशन इसका क्वेश्चन है ही नहीं। ये क्वेश्चन काय का है, ये क्वेश्चन है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का। आपको Q3 निकालते आता है, हाँ। आपको Q1 निकालते आता है, हाँ। डिवाइड बाय 2, सर हमको नहीं आता। उसके लिए तो सेंट्रल टेंडेंसी देख लेना पीछे वापस घर जाके, ठीक है, हो गया। क्वार्टाइल डेविएशन का कोएफिशिएंट क्या आएगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इनटू 100, बस खत्म। क्वार्टाइल डेविएशन लफड़ा ही नहीं है, क्वार्टाइल डेविएशन है ही नहीं। क्वार्टाइल डेविएशन एक्चुअली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, जिसके अंदर आपको क्वार्टाइल निकालते आना चाहिए। क्वार्टाइल निकालते आके तो बात खत्म है, और वो अपन ने उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है। चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन, नहीं मीन डेविएशन, मीन डेविएशन इंडिविजुअल सीरीज रही, मीन डेविएशन की कोई ज्यादा इज्जत है नहीं। इंडिविजुअल सीरीज रही तो क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार का मॉड ले लेंगे, एक्स दिया रहेगा आपको, जो भी वैल्यूज है उसको लिखना लाइन में, एक्स बार निकालना, एक्स माइनस एक्स बार निकालना उनका, नहीं नहीं एक्स माइनस एक्स बार का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना, निगेटिव को इग्नोर करना। जैसे एक्स बार है 3 और एक्स है 1, तो 1 माइनस 3 माइनस 2 होता है, आपको माइनस 2 नहीं प्लस 2 लेना है, क्योंकि मॉड्यूलर फंक्शन है, क्लियर है। अपॉन एन, इन सबका समेशन, ये कब, जब नॉर्मल सीरीज है। बट अगर फ्रीक्वेंसी है तो क्या करेंगे, एक्स दिया रहेगा आपको, फ्रीक्वेंसी दी रहेंगी आपको एक्स, और फ्रीक्वेंसी से आपको एक्स बार निकालने का है, वो निकाल सकते हो समेशन ऑफ एफ इनटू एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ से, ठीक है। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इनटू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, आपको क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स माइनस एक्स बार की सारी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, फिर जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है उसको एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एम प्लस में डालना पड़ेगा, दूसरी क्लास की फ्रीक्वेंसी या दूसरी फ्रीक्वेंसी दूसरी x माइनस एक्स बार की वैल्यू मल्टीप्लाई m प्लस f इंटू एक्स माइनस एक्स बार की वैल्यू, ऐसा समेशन आ जाएगा, डिवाइड बाय n कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। समझा बात को, स्टेप बाय स्टेप। चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल भी डरने का नहीं स्टैंडर्ड डेविएशन से, स्टैंडर्ड डेविएशन मजूरों वाला काम है। स्टैंडर्ड डेविएशन से लोग स्टैंडर्ड डेविएशन की वजह से नहीं डरते, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर डेटा दिया उससे निकालना बहुत आसान है। और जो तीन क्वेश्चन है ना, ये जो लास्ट में दे रखे मैंने, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करके दे रखे, क्योंकि मेरे को पता था कि इतना टाइम तो मिलेगा नहीं वो तीन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मौत आ जाएगी अपनी, तो इसलिए मैंने उसका स्कैनर दे दिया, और आज सुबह ही उसका वीडियो अपलोड करे भाई, अगर आप चाह के चेक करोगे ना चैनल पे, तो आज सुबह ही उसका वीडियो अपलोड करे भाई मैंने, तो वो पूरा प्रॉपरली सोचा था। वो तीन क्वेश्चन एक घंटे का, उसका 1.25x पे देखना, आपका 30-35-40 मिनट में हो जाएगा, और उसके बाद जो क्लैरिटी आएगी ना आपको, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हैं अपन, कुछ नहीं, एक्स माइनस एक्स बार निकालते हैं, उसका स्क्वायर लेते हैं, अपॉन उसको एन से डिवाइड करते हैं, और उसका अंडर रूट, ठीक है। अगर फ्रीक्वेंसी नहीं तो क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करेंगे, उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबका समेशन लेंगे, अपॉन एन लेंगे, और अंडर रूट करेंगे, बराबर है। अगर एक्स बार गंदा घिनौना गिधाड़ा आ रहा है तो क्या करते हैं, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का अंडर रूट, और फ्रीक्वेंसी दी रही तो क्या करते, आपने बोला था हर जगह पे जहां जहां एक्स है वहां पे फ्रीक्वेंसी डाल दो, तो एक गधे ने क्या करा मालूम है, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये बराबर है अपॉन एन माइनस एफ इंटू एक्स बार का होल स्क्वायर। अब ये गधे, ये एक्स बार के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी रही तो एक्स बार निकालते वक्त कुछ फ्रीक्वेंसी को ऑलरेडी तूने ले लिया है, तो उसमें नहीं लेना है, समझे क्या बात। बस ये मैंने सारी आपको बच्चों के ऐसी स्टेप बता दी, अब आपको खाना बचा है, जैसे बचपन में बताया ना ऐसा लाए, ठीक है, ओके। अब इसके वजह से हार्ड नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके वजह से हार्ड नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो मेरे साथ में, फाइंड एन एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ डिस्पर्शन फॉर द From the following data, क्या बोला है, appropriate measure बताओ। अब वो data देखो कौन सा है, up to less 40, 20, मतलब open ended है, खुला है ना, दो limit थोड़ी उसमें, lower और upper, क्या use करेंगे सर, आपने तो बोला था open ended के लिए median use करते हैं। अब median निकालना, तुम mental हो,
यहां बोला है भैया डिस्पर्शन निकालना है, तो मीडियन का बच्चा कौन है, यहाँ पे क्वार्टाइल है कि नहीं, तो यहाँ पे निकालना है आपको क्वार्टाइल डेविएशन। वो बाकी तो हमको आता है, क्वार्टाइल वन निकालना, क्वार्टाइल थ्री निकालना आता, नहीं आता तो तुम्हारे पाप धर्म तुम्हारे साथ, मेरी कोई गलती नहीं है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। ये वही छह सर पूरा ज्ञान दिया आपने, ओके ठीक है। आठवें क्वेश्चन की बात आती है, आठ नौ दस तीन क्वेश्चन है, जोरदार मजेदार माहौल है, तीन क्वेश्चन करेंगे फिर छुट्टी, ठीक है। हाँ, उसके पहले एक चीज जो मैंने बताया था, क्या चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल का क्या लफड़ा है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल दोनों से इंपैक्ट होता, तो अपन क्या करते हैं, x के जगह x बार, y के जगह y बार डालते हैं, खत्म बात, ठीक है। जो वैल्यू दी है वो डाल देते हैं, दूसरी वैल्यू निकाल देते हैं, डन है। यहां पे मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में ये चेंज ऑफ ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होता है, बट चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर उसको देखोगे तो यहां पे क्या बताया भाई, अगर दो वेरिएबल है x और y, जिसमें y is equal to a plus bx, y is equal to a plus bx कैसे बना, ये a क्या है, बोलो बोलो बोलो, चेंज ऑफ ओरिजिन, और b क्या है, चेंज ऑफ स्केल, b से मल्टीप्लाई करा है ना x को, तो x का पहले चेंज ऑफ स्केल करा, बाद में ओरिजिन में ऐड करा, ठीक है। तो आपको बोला है रेंज ऑफ x इज गिवन x, रेंज ऑफ y सॉरी रेंज ऑफ x इज गिवन, आपको क्वेश्चन में रेंज ऑफ x दिया रहेगा, तो रेंज ऑफ y कैसे निकालोगे, b into range of x, और b b नहीं है, b mod में है, b b नहीं है, b mod में है, और b क्या था, b was nothing but change of scale, हाँ या ना। तो आपको जो मैंने central tendency में बताया था कि अपने क्या करना पड़ेगा, y के terms में लिखना पड़ेगा, वो यहां लिखना पड़ता है, ठीक है। तो आपको question में क्या दिया, मैंने लिख दिया ये PC note, write down the equation in terms of y, y के terms में लिखो, चेंज ऑफ स्केल ढूंढो, चेंज ऑफ स्केल कैसे मिलेंगी, x के सामने वाली जो चीज है, x का जो कोएफिशिएंट है वो चेंज ऑफ स्केल रहता, जैसे यहां देखो ये x का कोएफिशिएंट है ना b, तो b चेंज ऑफ स्केल है, हाँ ये ना, ठीक है। और सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ x मतलब, हाँ मल्टीप्लाई बाय सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ x, इग्नोर ओरिजिन, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ x नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए रेंज मल्टीप्लाई बाय मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। मैं बताता हूं क्या करना है, अब ये क्वेश्चन दे रखा है 2x plus 3y is equal to 10 एंड रेंज ऑफ x दे रखी है 15, आपको क्या बोला है रेंज ऑफ y दो। अब अगर क्वेश्चन सेंट्रल टेंडेंसी का रहता कुछ नहीं करते थे, x के जगह x बार, y के जगह y बार, x के जगह रेंज ऑफ x, y के जगह रेंज ऑफ y, पर यहां ऐसा नहीं होता, यहां पे अपने क्या करना पड़ता है, ये क्वेश्चन दे रखा है 2x plus 3y is equal to 10, रेंज ऑफ एक्स दे रखी है। अब ये 2x plus 3y के अंदर है ना, अपने को पता नहीं है चेंज ऑफ ओरिजिन कितना हुआ और चेंज ऑफ स्केल कितना हुआ, तो पहले आपको ढूंढना पड़ेगा चेंज ऑफ ओरिजिन कितना हुआ, चेंज ऑफ स्केल कितना हुआ, ध्यान से सुनना, एक मार्क का क्वेश्चन है फुकट का। सबसे पहले आपको इक्वेशन को लिखना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ वाई या इन टर्म्स ऑफ वाई, तो लिखता हूं मैं इसको कैसे लिखूंगा सर बताओ, टू क्या है, 2x plus 3y is equal to 10, ठीक है, y की वैल्यू निकाल निकाल जाती है, 3y is equal to 10 minus 2x, y is equal to 10 by 3 minus 2 by 3 into x, बराबर क्या हो गया, ये जो 10 by 3 है ये क्या है, ओरिजिन है, इसको क्या करना है इग्नोर, और चेंज ऑफ स्केल कितना है 2 by 3 जो है ये है चेंज ऑफ स्केल, समझा। तो नाउ रेंज ऑफ y इज नथिंग बट मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x, रेंज ऑफ y निकालनी है, b कितना है 2 बाई 3 इंटू रेंज ऑफ x कितनी दी है 15, 10 आएगा आपका आंसर रेंज ऑफ x, आया आएगा। अब ये रेंज हो सकता है, ये मीन डेविएशन हो सकता है, ये क्वार्टाइल डेविएशन हो सकता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो सकता है। अब मतलब रेंज के जगह पे मैं मीन डेविएशन ऑफ x डाल देता हूं, क्योंकि चारों की चारों एब्सोल्यूट वैल्यूज चेंज ऑफ स्केल से इंपैक्टेड नहीं है, चेंज ऑफ ओरिजिन से है, दिमाग फ्रिज में, ठीक है, दिमाग फ्रिज में क्या करना है, वैल्यू ऑफ y निकालनी है x के टर्म्स में, x का जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दो रेंज ऑफ x से, आपको रेंज ऑफ y मिल गई, खत्म बात, ठीक है सर। एक और एग्जाम्पल, एक और अच्छा लग रहा है पूरा, ठीक है एक और एग्जाम्पल, ये तो समझ में आ रहा है 3x plus 6y is equal to 20, आपको दिया है
क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ वाई, नहीं क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ एक्स दिया है, कितना है 6, आपको निकालना है क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ वाई कितना रहेगा। कुछ नहीं, क्या करेंगे, y को लिखेंगे x के टर्म्स में, क्या लिखेंगे 6y is equals to 20 minus 3x, y is equals to 20 by 6 minus 3 by 6x, ये हो गया ओरिजिन, इग्नोर मार दो, ये हो गया स्केल, तो रेंज ऑफ y is equals to 3 by 6, ये साइन को भी इग्नोर करना है, मॉड है वहां पे, ठीक है ना, इंटू x, सॉरी रेंज ऑफ x 3 by 6 इंटू कितना था बेटा 6, तो 3 आंसर। अब मैंने आपको क्लास के अंदर अगर आपको याद है तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई थी, ट्रिक मतलब मैंने बोला नजरों से करूंगा मैं, नजरों से, ये हाथ से गरीब लोग करते भी ऐसा थोड़ी करते हैं, नजरों से करना है, नजरों से, कैसे नजरों से नजरे मिली तो जन्नत सी महकी फिजा, हाँ ठीक है, नजरों से देख 6y 20 उधर है, 3x गया उधर, 6 या 20 के नीचे तेल लेने जान दो, ठीक है ना, अपने कोई 20 का कोई लेने देना ही नहीं है, इसको गायब कर दो, 20 को काट दो, अपन ने काटा था क्लास के अंदर, 3x plus 6y is equals to, काट दो उसको, कुछ नहीं करना, जीरो लिख दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा, सर कौन किधर जा रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि इफेक्टिवली मॉड है, पॉजिटिव ही होना है, ठीक है, 6y 3 उधर गया, 3 by 6 आ गया चेंज ऑफ स्केल, 3 by 6 into 6, समझे ना, पर ये बहुत रिस्की है, ये अगर तुमको वो लेवल का आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो तुम गरीब जैसे, y को लिखो x के टर्म्स में, ओरिजिन को गायब करो, भाई कोई शर्म ही नहीं है, मन तुमको आता है ना, अपन डांस कैसे करते, गणपति बाप्पा, मेरी बीवी ऐसे करती घूमर घूमर, मेरे को नहीं आता, ठीक है, अपने नहीं जमता, नहीं जमता, नहीं जमता, ठीक है, तो जिसको जैसे जमता वैसे उसको जमता, ठीक है, ये हो गया कोएफिशिएंट चेंज ऑफ ओरिजिन, सेंट्रल टेंडेंसी में ओरिजिन और स्केल दोनों पे इंपैक्ट है, तो क्या करते हैं, एक्स के का एक्स बार, वाई के जगह वाई बार, खत्म बार, आंसर आ जाएगा, चेंज डिस्पर्शन में सिर्फ स्केल का इंपैक्ट है, इसलिए अपन क्या करेंगे, चेंज ऑफ स्केल कितनी हुई वो देखेंगे, वो कैसे देखते हैं, उसके लिए अपने को y is equals to a plus bx के फॉर्म में लिखना पड़ता, वेयर b इज चेंज ऑफ स्केल एंड a इज चेंज ऑफ ओरिजिन, अपन क्या करते हैं, इक्वेशन को y के फॉर्म में लिखते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, फिर x का जो कोएफिशिएंट है वो अपना चेंज ऑफ स्केल हो गया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेंज ऑफ x के साथ, सो दैट अपना रेंज ऑफ y आ जाएगा, डन है, ठीक है। कुछ थ्योरी के लिए MCQs है, रेंज हमेशा पॉजिटिव होती है, लार्जेस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर माइनस करते हैं, बड़े से छोटा माइनस करते तो कभी निगेटिव आता क्या, नहीं सर आ सकता है, नहीं, ठीक है, सारी की सारी ऑब्जर्वेशन अगर इक्वल है, पांच 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 पांच, तो छोटा भी पांच बड़ा भी पांच, रेंज कितनी है अगली जीरो, ठीक है। मीन डेविएशन क्या है, इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑल आइटम्स, बराबर है, अरिथमेटिक मीन मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन एन, तो ये समेशन ऑफ काय का है, एक्स माइनस एक्स बार का मॉड, इसको मैं बोल दू एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट डेविएशन ये नहीं है, अरे एक्स में से एक्स बार माइनस करा इसका मतलब क्या हो गया, इट इज डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, एंड डेविएशन कौन सा, मॉड लगा दिया तो एब्सोल्यूट डेविएशन है, ठीक है, तो इट इज अरिथमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि डिवाइड बाय एन कर रहा हूं ना, तो ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्म ले लेता है, समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो एग्जाम के एक दिन पहले बस पढ़ के जाना, एमसीक्यू गलती से आ गया तुम्हारा मार्क नहीं जाना चाहिए, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन बेस्ट मेथड है ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन के लिए, जैसा मीडियन बेस्ट था सेंट्रल टेंडेंसी का, वैसे ही क्वार्टाइल डेविएशन डिस्पर्शन का बेस्ट है, काय के लिए, ओपन एंडेड के लिए, बरोबर दीदी, ठीक है। क्वार्टाइल डेविएशन सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से बहुत कम अफेक्ट होता है, सेम जैसे मीडियन होता था, सैंपलिंग फ्लक्चुएशन से सबसे कम कौन अफेक्ट होता है, मीडियन, और डिस्पर्शन की बात करोगे तो क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। सबसे बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन कौन सा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, उसको रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हैं, रूट मीन का स्क्वायर एक्स माइनस एक बार ना, तो मीन का स्क्वायर, ठीक है, ओके। सारी की सारी ऑब्जर्वेशन अगर इक्वल है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी जीरो है, अबे सारी की सारी ऑब्जर्वेशन अगर इक्वल है ना तो कोई भी मेजर ऑफ डिस्पर्शन जीरो रहेगा, सब इक्वल है तो भैया दूर भागेंगे कैसे, समझा ना, ये तो मैंने पहले ही पढ़ाया था, ये बाकी देने की जरूरत नहीं थी। उसके बाद कुछ चीजें जो रटनी है, कुछ चीजें जो लिटरली रटनी है, ठीक है, मॉड्यूल वाला डेविएशन है,
मॉड्यूलस वाला डेविएशन है, अच्छा पुराना है। मैराथन खत्म होने के बाद एक एक स्टूडेंट कमेंट करके जाना, करके जाओ तो तुम्हारी बीवी भागेंगी, ठीक है। हाँ सर, कभी कभी आता है दो ही चीजें दे रखी है, एक्स दे रखा है एक और पांच, आपको बोला इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं उसका, आप अरिथमेटिक मीन निकालोगे, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन कर सकते हो ना नॉर्मल फॉर्मूले से। हाँ उससे अच्छा आप सीधा ये कर लो फॉर्मूला, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय टू कर लो। अगर दो नंबर्स है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपको निकालना है तो कैसा बनेगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय टू, खत्म बात, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय टू आंसर आ जाएगा। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट को क्या बोलते हैं, रेंज, तो इट इज रेंज अपॉन टू, ठीक है। अब एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बिटवीन ए एंड बी इज हाफ ऑफ द ए बी सी डी, एक ऑप्शन रहेगा रेंज, हाफ ऑफ द रेंज है कि नहीं, ये रेंज का आधा, ऐसा सीधा नहीं पूछेंगे तुमसे, जान लेनी है तुम्हारी, नहीं नहीं भाई तुमको चीए बनाना है, क्या बनाना है, चीए, ठीक है, याद रखना है। सर मॉड्यूल के अंदर है ना इसका डेरिवेशन दे रखा है, आप भी बताओ ना, मैंने रेगुलर बैच में भी नहीं बताया, तो मैराथन की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। सर बताते क्या, नहीं मेरे को नहीं आता, क्या करते, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स मतलब ऑब्वियसली नंबर्स वही हो गए, ठीक है, एक से दस तक के नंबर्स दे रखे आपको, उसका आपको निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या करोगे, एक से लेके दस तक, फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन एन कर सकते क्या, हाँ उससे भी आंसर आएगा, वो नहीं करना है तो ये कर लेना, क्या अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन बारह, ठीक है। तो पहले दस नंबर का अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, पहले दस नंबर का अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो वो हो जाएगा दस इंटू इक्वल्स टू हंड्रेड माइनस वन अपॉन बारह का अंडर रूट 2.87, चेक कर लेना एक से लेके दस तक सारे नंबर लिख लेना, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेना, 2.87 आएगा, कैसे, फॉर्मूले से। सर ये फॉर्मूला काम का है क्या, इस फॉर्मूले से कभी डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आते हैं बहुत सारे, बट ये फॉर्मूला पूछते हैं, ये फॉर्मूला थ्योरी में पूछते हैं भाई, जान निकालते हैं, ठीक है। एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन बारह का अंडर रूट, एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन बारह का अंडर रूट, ठीक है। और दो नंबर्स के बीच का क्या रहेगा, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बाय टू, डन है, हाँ ना, ठीक है। और सारा शहर जानता है स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ वैरियंस, वैरियंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वैरियंस, जानते हो आप, वेरी स्मार्ट, ठीक है। लास्ट वाला फॉर्मूला आपको दो चीजें देंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, आपको पूछेंगे दो चीजें बताओ जो एक क्वेश्चन है उसके अंदर, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, दोनों बताओ। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2, ठीक है, ओके। ये क्या है भैया, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दो अलग अलग सीरीज है जिनके दो अलग अलग अरिथमेटिक मीन दिए हैं, जिनके दो अलग अलग नंबर दिए, मतलब पहली सीरीज में 60 लोगे, दूसरी सीरीज में 50-40 लोगे, उस तरीके का, ठीक है। फॉर्मूला याद है तुमको, अंडर रूट है, ये तो मेरे को याद है, ठीक है। प्लस मेरे को ये भी याद है, सुन लो, हाँ नहीं नहीं, नीचे n1 प्लस n2 ये याद है, ठीक है। ऊपर में n1 n2 n1 n2 दो बार है, एक बार s1 का स्क्वायर है, दूसरे बार d1 का स्क्वायर है, अरे आओ ना यार, ठीक है। तो फॉर्मूला कैसा है देखो, अंडर रूट ऑफ n1 h1 स्क्वायर प्लस n2 h2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2, रटना नहीं है, ध्यान में रख, देखो हमारा वही तो टैलेंट है, नहीं बोल बोल के हम करवा ही लेते हैं, ठीक है। क्या है सर, देखो नीचे तो n1 प्लस n2 रहेगा, तो ऑब्जर्वेशन है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, मतलब उनका इंडिविजुअल स्टैंडर्ड डेविएशन होगा n1 प्लस n2, ठीक है, s1 नहीं, s1 का स्क्वायर, s2 का स्क्वायर, ठीक है, ये दो चीजें नॉर्मल है, प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर, बस ये खत्म, ये n1 n2 दिया रहेगा, n1 दिया रहेगा, s1 दिया रहेगा, n2 दिया रहेगा, s2 दिया रहेगा, n1 दिया रहेगा, n2 दिया रहेगा, n1 n2 दिया रहेगा, d1 क्या है, d1 क्या है, सुनो सुनो सुनो, d1 क्या है,
मैं बहुत बार कंफ्यूज हो जाता डी वन के अंदर। डी वन याद है तुमको क्या है? डी वन याद है तुम क्या है उत्कर्ष? किसको याद है डी वन? हाँ तो सर डी वन क्या है मालूम है क्या? डी वन इज, मैंने बताया था आपको, जब आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए भी आपको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकालना पड़ता, क्योंकि एक्स बार माइनस एक्स वन बार होता है डी वन, और डी टू क्या होता है एक्स बार माइनस एक्स टू का बार। ठीक है, ये एक्स बार क्या है? ये कंबाइंड अरिथमेटिक मीन है। जैसे आपको एक्स वन दिया रहेगा, समझ लो एक्स वन बोला है 20 है, एक्स टू बोला है 30 है, तो आपका एक्स बार आएगा एन वन एक्स वन एन टू एक्स टू करके आप एक्स बार निकालोगे, अरिथमेटिक मीन निकालोगे ना कंबाइंड। सर आप दे दो एग्जाम हमारी है ना, दे दो। मैं दे सकता नहीं, दे सकता तो मैं चीटिंग कर लेता। ठीक है, अब भैया ये कर लेना है, अब इसका होल स्क्वायर ही होने वाला है। मेरे को है ना बहुत बार कंफ्यूजन होती है, मेरे को अभी भी हुई थी, फिर मैंने ध्यान में लाया, मैंने बोला लेट्स अज्यूम अपना x बार आ गया 30, x1 दिया है अपना 20, और x2, x1 बार और x2 बार दिया अपना 40। मैंने बोला क्या होगा x माइनस x बार 30 माइनस 20, ये कितना होगा 30 माइनस 40। ठीक है, अब मैं कंफ्यूज काहे में था पता है क्या तुमको, कि ये x बार माइनस x1 बार है या x1 बार माइनस x बार है, समझा? मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता, साला स्क्वेयर ही होना है यार, ये प्लस 10 रहे कि माइनस 10 रहे, दोनों का स्क्वेयर तो 100 होगा ना, तो छोड़ो ना गोली मारो। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन से x1 माइनस करना है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन से x2 माइनस करना है, d2 आ जाएगा d1 आ जाएगा, डन है। क्या है फॉर्मूला बोलो, n1 x1 स्क्वायर प्लस n2 x2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर अपॉन n1 प्लस n2 का अंडर रूट। n1 दिया रहेगा, x1 दिया रहेगा, n2 दिया रहेगा, x2 दिया रहेगा, n1 दिया रहेगा, d1 निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोंगे? d1 इज नथिंग बट x माइनस x, सॉरी x बार माइनस x1 बार। x बार अलग से पहले निकालना पड़ेगा n1 x1 प्लस n2 x2 अपॉन n1 प्लस n2 से, हाँ कि ना? सॉरी क्वेश्चन, मतलब बचपन में आपके ये क्वेश्चन करे हुआ है अपन, ठीक है, ये क्वेश्चन करे भाई, इसका ये क्वेश्चन है, इसका कुछ भी नहीं है, दिमाग फ्रीज में रखो, पुट द वैल्यू इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। पहले आपको निकालना है कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो क्या आप मेरे को बताइए तो? ठीक है, एन वन है 60, एन वन कितना है 60, एक्स वन बार कितना है, मीन कितना है 45, एस वन कितना है 2, एन टू कितना है 40, एक्स टू बार एस टू, एक्स टू बार कितना है 55, एक्स एस थ्री है 3। ठीक है, डी वन निकाल ले रहा हूं मैं, डी टू निकाल ले रहा हूं मैं, डी वन निकालूंगा मैं और डी टू भी निकालूंगा मैं। पहले एक्स बार निकालना पड़ेगा, कैसे आएगा एल वन एक्स वन 60 इंटू 45 एम प्लस 40 इंटू 55 एम प्लस एम आर थ्री डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू 100, एक्स 49 आया क्या? कंबाइंड अरिथमेटिक मीन 49 आया। अब 49 में से माइनस करेंगे किसको? 45 को। 49 में माइनस 4 तो उसका स्क्वायर हो गया 16, और 49 में से 6 55 को माइनस करा, माइनस 6 हो प्लस 6 हो, मेरे क्या करना है 36 आ गया, डी टू आया ये। अब क्या है? कुछ नहीं, गप 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 एमआरसी क्लियर करो, क्या सुनो मेरी बात, एन वन 60 इंटू एस वन का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 एम प्लस N2 40 into S2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 M plus N1 60 into D1 का स्क्वायर 16 M plus N2 40 into D2 का स्क्वायर 36 M plus MRT 3000 आया divided by N1 plus N2 30 आया आंसर 30 आया स्टैंडर्ड डेविएशन कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन 30 आया क्या तो मुन्नी बदना डकलिंग आया क्या और नहीं 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 30 नहीं आया भाई 30 का अंडर रूट आएगा ना भाई क्या गड़बड़ कर रहे हो ठीक है मतलब 30 तो खैर हाँ ठीक है समझा गया मतलब साला ये वाला फॉर्मूला मैंने मां कसम कभी नहीं सोचा था कि दुनिया इतनी एडवांस हो जाएगी 2012 में जब मैंने पहली बार पढ़ा हूँ
2010 में कि भैया ये क्वेश्चन फॉर्मूला कैलकुलेटर से कर लेंगे लोग। भाई कितना लिखते थे पहले उस फॉर्मूले को, मतलब जब मैं पहली बार पढ़ा था तब ये फॉर्मूला बहुत बड़ा था भाई। और हमारा टीचर ऐसा था, ये फॉर्मूला है लिखो, इसमें कुछ और नहीं आता, लिखो और रटो खत्म, कुछ नहीं। डी वन इज इक्वल टू एक्स बार माइनस एक्स वन बार खत्म। सर क्या कुछ, चुप लिख, ठीक है डन है। अगला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बचे खत्म कर देंगे फिर छोड़ देंगे तुमको। सर माय आंसर इज करेक्ट, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, बधाइयां बधाइयां, मिठाइयां पेड़े भाई, बहुत जबरदस्त शानदार जोरदार। ठीक है क्वेश्चन नाइन, कैलकुलेट मोड निकालना है। जिंदगी में मीडियन दिया है, याद है तुमको एक क्वेश्चन, याद है तुमको एक क्वेश्चन, मोड दिया है, मोड निकालना है, मीडियन दिया है। सर 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 मीन मिल जाए ना तो काम बन जाए। और मीन मिलेगा क्या सर? बिल्कुल मिलेगा, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है। अरे माय गॉड, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया है ना 50, और वेरिएंस दिया है 100। वेरिएंस 100 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 10 हो गया, वेरिएंस का अंडर रूट। और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज नथिंग बट दीदी स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100। ये पूरी हो गई, हैंग हो गई, ठीक है बस दो मिनट रुक जाओ। ठीक है वो बोलती बहुत हो गया सर आज। देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, मोड पूछा है, मीन दिया है। सर अगर मीडियन मिल जाता था ना तो वो मीन मीडियन मोड वाला 1 = 3 - 2 से कार्यक्रम अपना चल जाता। तो मैंने बोला भैया दिया तो क्या दिक्कत है? बोले सर मीडियन दिया है, मीन नहीं दिया है, मीन दे देते हैं मोड निकाल लेते हैं। तो मीन दिया नहीं है पर निकल जाएगा, कैसे पता चला? वेरिएंस दिया है 100, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया 100 - 10। ठीक है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपको दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100, है ना? तो ये कितना दे रखा है? 50 दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, अरिथमेटिक मीन इनटू 100, है ना? तो मीन कितना आ जाएगा? अरिथमेटिक मीन को ऊपर लेके जाओ, 1000 डिवाइड बाय 50 इक्वल्स टू 20 आ गया। अरिथमेटिक मीन आ गया क्या? मीन हाँ ना, अरिथमेटिक मीन 20 आ गया, कब कैसे? अब क्या करते बोलो? मोड, वन मोड इज इक्वल्स टू मोड मीन मीडियन, ठीक है, टू मोड थ्री मीडियन, थ्री इंटू मीडियन कितना है बोल भाई? 23 माइनस 2 इंटू 20 69 माइनस 40, माय गॉड वाओ, मजा आ गया, आएगा मजा। सर हमको नहीं आता, हम 5 मिनट लोग, ठीक है। अब तुमको याद होगा ये क्वेश्चन पहली बार करे तो कैसा लगता था? माय गॉड वाओ व्हाट अ क्वेश्चन, अभी लगता 5 क्वेश्चन, ठीक है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, अरे जनगण मन याद है तुमको? कैसे याद है तुम, याद करे तुमने? कितने बार बोल दिए? 15 साल बोले भाई, 10 साल का। मैं तो आज भी बोलता हूँ थिएटर में, तू गया था ना एनिमल देखने, बोला होगा तूने मोबाइल पे देखा एनिमल मूवी, तूने मोबाइल पे देखा? नहीं यार भाई ये मतलब, अच्छा ठीक है, तो फिर मोबाइल, फिर मोबाइल में कैसे देखा? मोबाइल में 2x पे देखा क्या? ठीक है चलो अगला क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन करते, बढ़िया क्वेश्चन है। अरिथमेटिक मीन दे रखा है आपको, अरिथमेटिक मीन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आर 10 and 40। वेरिएंस निकालना है, याद है क्वेश्चन तुमको? वेरिएंस निकालना है आपको, अरिथमेटिक मीन दे रखा है आपको कितना है? 10, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है? अरे 40, आपको क्या निकालना है? वेरिएंस निकालना है, किसका? 15 - 2x का वेरिएंस निकालना है, ठीक है। अब ये याद होगा क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आया था? बराबर है यही क्वेश्चन, क्या करते वेरिएंस निकालना है, x का निकालना है क्या? अगर वेरिएंस ऑफ x निकालना रहता था तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकाल लेता था और उसको स्क्वायर कर देता था, ठीक है। अरे नालायक हो, ये क्वेश्चन तुमको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है मैंने, और इस क्वेश्चन के अंदर आपने जो आंसर लाया था वो 32 था, पर उसका आंसर 64 है। काई को मैं बताता हूँ, सुनो अभी वापस समझो, मेरे को मालूम था इसलिए डाला मैंने क्वेश्चन। आपको वेरिएंस पूछा है, ये x का पूछा है क्या? नहीं,
इन केस अगर आपको वेरिएंस ऑफ एक्स पूछते थे तो आप क्या करते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकाल लेते थे, उसका स्क्वायर कर देते थे। बट आपको वेरिएंस ऑफ एक्स पूछा है क्या? नहीं, आपको पूछा है वेरिएंस ऑफ वाई, जो कि हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। हाय ना, वेरिएंस ऑफ वाई विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर, वेयर वाई इज इक्वल टू 15 माइनस 2x। यस और नो? ठीक है, कितना आया? 64 आ गया। वेरी गुड बेटा। हाँ, तो एक बात बताओ, पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। ये अरिथमेटिक मीन ऑफ एक्स दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100, 40 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन 10 इनटू 100। ये 1s आर 10s आर, स्टैंडर्ड डेविएशन आया 4, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आया 4। आया ना? ठीक है, आगे बताओ क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स आया 4। ये जो एक्चुअल क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन में तीन चीजें लगेंगी। एक तो पहले कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला पता होना, वहां से आप निकालोगे स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो वेरिएंस है ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता, बट ये जो चेंज ऑफ स्केल है ना 2, उससे फर्क पड़ता है। आया ना? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई वुड बी ठीक है, सुनो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, इधर देखो, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होता था, वेरिएंस ऑफ वाई इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हो जाएगा। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है? 4। तो वाई क्या है? 15 माइनस 2x। आया ना? तो ये 15 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो y इज इक्वल टू इफेक्टिवली 2x। आया ना? तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 2 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। यस और नो? पक्का? देख लो एक बार, अगर बोल रहा है तो मेरे को बताओ, मैं बता दो फिर से। अभी तो करा अपन नहीं, y दिया है x के टर्म्स में, ये इसको मैंने बोला इसको गोली मार दो, वैल्यू ऑफ y निकाला इन टर्म्स ऑफ x, ये चेंज ऑफ स्केल है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के टर्म्स में है। अपने क्या निकालना है? अपने को निकालना है वेरिएंस ऑफ y। अब वेरिएंस ऑफ y कैसे हो जाएगा? स्क्वायर, मैं दोनों साइड को स्क्वायर कर लूं क्या? इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का होल स्क्वायर। आया ना? सर स्क्वायर क्यों करा आपने? क्योंकि मेरे को वेरिएंस निकालना है और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, समझा? तो अपना आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर, इसको लिख दूं मैं, वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 4 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना है? 4, 4 का स्क्वायर 16, 64 आंसर आएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का स्क्वायर तो कर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 कर देंगे, बट उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा उनका 32। ठीक है, और पक्के में ऑप्शन में 32 रहेगा, ये मैंने आपको पहले बताया था, मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, उसको एक बार बीच में कई और बार भी डिस्कस करा था। अब इसके बाद भी तुम गलत करते हो तो मेरी जिम्मेदारी खत्म, भगवान मेरे को पाप नहीं देगा, तुम्हारी बीवी भागने वाली है। ठीक है नाना भाई, तो यह अपना खत्म हो गया। सर खत्म खत्म नहीं हुआ, ये तो अच्छे क्वेश्चंस हुए। ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चंस हुए। इसके बाद में ये जो तीन क्वेश्चंस है ना, माँ का, बाप का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा फैजल। ये तीन क्वेश्चन ऐसे, ये तीन क्वेश्चंस ऐसे जो तोड़ फोड़ मचा हुए एकदम। कैसे करना सर? हमने, हमको आएंगे कि नहीं आएंगे एक्सप्लेनेशन? उत्कर्ष डार्लिंग, तू जो पूछ रहा था, ये क्वेश्चन वो है जो 90% बच्चों को नहीं आएगा। इस क्वेश्चन को हमको 20 से 25 मिनट लगे थे, रॉन्ग ऑब्जर्वेशन लेफ्ट आउट वाला। ठीक है, एक बार फिर से उसको ताजा कर लेना, 1.25x, 1.5x पे देख सकते हो, ताजा कर लेना, बट मेक श्योर इसको आप खुद से सॉल्व करो एक बार। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तो खैर ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ठीक है, नॉर्मल है,
दूसरा क्वेश्चन भी बढ़िया है, तीसरा क्वेश्चन भी बढ़िया है, और ये तीनों टाइप के क्वेश्चन है ना आपको पीवाई क्यूज में मिलेंगे। तो अगेन आई एम टेलिंग यू, आज घर जाके आधी पौन घंटा निकाल लो, इसको खत्म कर लो तो पैक हो जाएगा। ठीक है, डन है, ओके।